वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये बात सही है कि आज ईद का मौका है और हमेशा ईद वगैरह के दिन यहाँ पर पब्लिक की आवक काफ़ी ज़्यादा होती थी और बनस्बत कुछ तक पुराने सालों के इस बार आवक कम रही। आवाम कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अलावा अगर सबसे ज्यादा पर्यटक कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वो है उदयपुर और अजमेर। पर्यटकों के भारी तादाद में पहुंचने की वजह यहाँ पर होटल में कमरे मिलना आसान नहीं होता, लेकिन उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या और उस हत्या के बाद भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ अजमेर दरगाह के कुछ खादिमों के जहरीले बोल ने होटल कारोबारियों के साथ साथ दरगाह आने वालों की संख्या पर गहरा प्रभाव डाला है। इस बात को खुद अजमेर दरगाह दीवान के पुत्र सैयद नसुद्दीन चिश्ती ने वीडियो जारी करके खुद माना है। ये बात सही है कि आज ईद का मौका है और हमेशा ईद उल अज़हा के दिन यहाँ पर पब्लिक की आवक काफ़ी ज़्यादा होती थी और बनस्बत कुछ तक पुराने सालों के इस बार आवक कम रही। आवाम थोड़ी ज़ायरीन थोड़े कम आ रहे हैं, टूरिस्ट थोड़े कम आ रहे हैं और उसका असर जाहिर सी बात है यहाँ का मार्केट और यहाँ की जो होटल व्यवसाय है वो पूरा आने वाले ज़ायरीनों पर डिपेंड है और उसकी वजह से फ़र्क पड़ा है। वजह मेरा मानना ये है कि जो पिछले 10-15-20 दिनों में जो माहौल गुजरा है, जो हालात रहे, जाहिर सी बात है आज की तारीख में हर आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, न्यूज़ सब जगह जाती, तो शायद हो सकता है उसका प्रभाव पड़ा हो और लोगों ने अवॉइड करा हो, क्योंकि जो उदयपुर का जघन्य अपराध जिसको हम आतंकी घटना भी कह सकते हैं, ऐसी घटनाएँ हुई तो लोगों में भय का माहौल शायद हो सकता हो गया और लोग अपने घरों से निकलना इग्नोर कर रहे हैं, अभी ये कारण हो सकते हैं। आपको बताते चले, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें बताया गया है कन्हैयालाल की हत्या और नुपुर शर्मा के खिलाफ अजमेर दरगाह के कुछ खादिमों के बयानबाजी के चलते अजमेर और उदयपुर में लोग अपनी होटल बुकिंग रद्द करा रहे हैं। यहाँ तक कि अजमेर दरगाह में भी कम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान जरूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज़।